नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दिलजीत सिंह और स्वागत है आपका एमबी हेयर टिप्स में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी त्वचा दूध जैसी गोरी चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स दे रहे हैं जिनके उपाय से आपकी त्वचा दूध जैसी गोरी हो जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप मलाई लेंगे और मुल्तानी मिट्टी लेंगे और संतरे के छिलके लेंगे और आप इसमें बेसन डालेंगे। आप इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। आप इसे अपने चेहरे और कोनियों पे लगाना शुरू कर दें। आप इन्हें पैरों पे भी लगा सकते हैं। आप बहुत जल्द जल्द देखें कि आपकी स्किन कैसे गोरी और शाइनिंग होनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ ये आपके त्वचा के दाग धब्बों को भी हटाती है और आपके फेस की झुर्रियों को भी सही करती है और यह आपकी त्वचा में नमी बनाए रखती है और इससे आपकी त्वचा फटती भी नहीं है। बेसन आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। जो दूसरा उपाय है अब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके चेहरे पे ज्यादा दाग धब्बे हैं, बेसन से आप अपने चेहरे को बचा सकते हैं, नहीं तो फिर आप मलाई और नींबू के इस्तेमाल से अपने चेहरे को ग्लोइंग और शाइनिंग बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आप जल्द से जल्द देखें कि आपके चेहरे में निखार आना शुरू हो गए, क्योंकि मलाई में विटामिन ए और लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं जो त्वचा की रंगत को साफ करता है। वहीं नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी त्वचा के दाग धब्बों को हटाने में काफी मदद करता है। अगर आपकी स्किन सावली या दाग धब्बे वाली है तो आप मलाई और नींबू का प्रयोग जरूर करें, ये आपको जल्द से जल्द फायदा देगा। नंबर तीन, अगर आपको सनटैन की प्रॉब्लम है तो आप मलाई का प्रयोग करें। मलाई में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी स्किन को सनटैन से बचाता है। आप रोजाना एक कप मलाई लेके उसमें केसर मिलाकर अपनी बॉडी पे अच्छे से लगा लें और आप आधे घंटे बाद नहा लें कि आपकी स्किन जल्द से जल्द गोरी और सुंदर होनी शुरू होगी और साथ साथ ही आपको स्किन टैन से भी बचाता है। इससे आपकी टैनिंग दूर होगी और आपकी त्वचा निखरेगी और रंग साफ होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी सी घरेलू टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।